आपको हम बतला देते हैं, अभी भी आज भी आने में हमको बाबूलाल जी मिले, हमने सामने हुए, वो आशीर्वाद दिए, और पहले भी आशीर्वाद, उनको मजबूरी है लेकिन आशीर्वाद वो दे चुके हैं कि बेटा जाओ तुम्हारा जीत पक्के है। सीपी सिंह साहब, रणधीर सिंह बोला तोर तो दियो तरफ चीट पट भीतर और पटो भीतर, तोर एक टिकट मिलते तैयो तो जी भी, ओकर टिकट मिलते तैयो तो जी, पूछ लीजिए वो बोले है कि नहीं बोले। नमस्कार, मैं आपको दोस्त आनंद और इस वक्त देख रहे हैं आप एक्सप्रेस में, अभी हम मौजूद है मधुपुर में, हमारे साथ जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल हसन जी हैं, इनसे बात करेंगे कि जनता के बीच किस तरह अपनी पकड़ बना रहे हैं और क्यों भरोसा है कि जनता इन पर विश्वास करे और ये जीतेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहली बात कि सर जनता आप पर क्यों भरोसा करे? देखिए ये हाजी साहब का कर्म भूमि रहा है और हाजी साहब का बेटा होने के नाते मैं भी पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते आया हूँ, कार्यकर्ता के साथ, आम जनता के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है, सबका काम हम करते हैं, सबको मेरे ऊपर भरोसा है कि जिस तरह हाजी साहब सबको देखते थे हम भी सबको देखते। विपक्षी कह रहे हैं कि मंत्री बनाकर ये सीट कमजोर होने का मतलब निशानी दे दी, क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात। देखिए हाजी साहब का सम्मान में हमको मंत्री बनाया, जो एक गमी का माहौल हो गया था, आज जब देख रहे हैं संजय जी हैं, रामदेव जी हैं, जो हाजी साहब को चाहने वाले आज सैकड़ों क्या हजारों नेता और कार्यकर्ता मधुपुर अपने आप, तो किसी को हम बुलाए नहीं है, खाली हाजी साहब का जो इखलाक था आदमी से, जो मिलने का उनका किरदार था, उसके चलते और पूरी जनता मधुपुर के जो हाजी साहब को वोट नहीं दिए हैं, आज वो रो रो करके बोले कि हम लोग गलती किए हैं, उस का जो हम लोग तुमको वोट दे करके अपनी हाजी साहब का श्रद्धांजलि बढ़िया से हम लोग देंगे। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा मंत्री रहे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते? सबसे ज्यादा मंत्री मतलब, नहीं नहीं मतलब यहाँ से जब जीतते हैं तो लोग यहाँ सबसे ज्यादा मंत्री बनते हैं इस इलाका से, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कई ऐसे जगह है, गांव है, जहाँ पर कि अभी भी समुचित विकास नहीं हो, बिजली पानी जैसी समस्याएं हैं। और दूसरी बात कि अभी तक हम लोग जो गांव में घूम रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि करप्शन, छोटे छोटे स्तर पर इस तरह करप्शन है जिससे कि सबसे ज्यादा आम लोगों में दिक्कत होती है, चाहे वो वृद्धा पेंशन के लिए हो या फिर आवास योजना हो, ऐसी कई अन्य योजनाएं जो छोटे स्तरों पर है, इसमें काफी करप्शन है, इसको कैसे खत्म कर पाएंगे? देखिए हम मंत्री बनने के बाद हाजी गुरु जी से जब हम आशीर्वाद लेने गए तो गुरु जी ने ये बोला कि किस तरह हाजी साहब गरीब गुरबा देखता था, जाके तुम भी गरीब गुरबा को देखो। और मैं जैसे मंत्री बन के मधुपुर आए, डीसी साहब को फोन किए, बोले कि हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, यही सब हम बांटेंगे, पहले गरीब का हम काम करेंगे, चापाकल बनवा दे रहे हैं, हर जगह चापाकल बन रहा है, और जो गरीब का काम है उसमें हम लगे हुए हैं, मेरा टीम लगा हुआ है, और जो बेहतर से बेहतर होगा वो काम हम करेंगे। मधुपुर पानी को लेकर जाना जाता है कि यहाँ का पानी ऐसा है जो बाहर से लोग आते हैं स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, लेकिन आज मधुपुर में पानी की समस्या विकट रूप ले रही है, इससे कैसे जुड़े? देखिए इसका एक तरफ तो काम हो चुका है, मोटा मोटी अब उसके स्टार्टिंग पर है, और एक तरफ का काम चल रही है, ये हमको लगता है कि एक दो महीना में चालू हो जाएगा, और जो मेरा एरिया में है वो एक आध साल लगेगा चालू, जैसे पानी जो पूर्व में जो सप्लाई होता है वो हो रहा है। जीतने के बाद सबसे आपका पहला काम क्या? पानी बिजली, बिजली तो बहुत अच्छा भी है, सड़क है, सड़क बहुत जगह का नहीं बना है, देखिए बहुत क्षेत्र हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं, वहाँ वोट दे करके बंधुआ मजदूरी टाइप का वोट दे दिया है, इसके बाद वहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है, उस क्षेत्र में हम लोग को वोट कम मिलता है, हम इस बार बोले कि आप हमको एक बार हम पर विश्वास कीजिए, हम विकास करेंगे, आप तो उधर देखे देख लिए इतना, इस बार हमको भी देखे देखिए। क्या लगता है कि राज परिवार को टिकट नहीं मिला है तो उसका लाभ मिलेगा? देखिए वो उनका बात है, लेकिन आक्रोश तो है, आदमी में आक्रोश तो है, आप देख रहे हैं कि जो ये टिकट मिलने से लेकर के अभी जो प्रचार हो रहा है,
उसमें सब जो दूसरे दल बदलू नेता है, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हैं, चाहे अमर बाबरी है, रणधीर सिंह है, नवीन जायसवाल है, सब तो दूसरे दल से आए ना। बीजेपी का तो सब है नहीं। और आपको हम बतला देते हैं, अभी भी आज भी आने में हमको बाबूलाल जी मिले, हमने सामने हुए, वो आशीर्वाद दिए। अब पहले भी आशीर्वाद, उनको मजबूरी है लेकिन आशीर्वाद वो दे चुके हैं कि बेटा जाओ तुम्हारा जीत पक्के है। सीपी सिंह साहब और सजू राय जो है सीनियर है, और तो सब जूनियर तो बोलबे किए हैं, लेकिन सीनियर में जो अभी यहाँ ये कर रहे हैं रणधीर सिंह बोला तोर तो दियो तरफ चीट पट भी तोर और पटो भी तोर, तोर एक टिकट मिलते तैयो तो जीत भी, ओकर टिकट मिलते तैयो तो जीत, पूछ लीजिए वो बोले हैं कि नहीं बोले। अब ये सब बात छोड़िए, समरस सरकार है, समरस आप देख सकते हैं आशीर्वाद इनको प्राप्त। जीत की अग्रिम खुशी लोग मना रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जीत जाएंगे तो जनता का विश्वास जो हम पे है उस पर हम खरा उतरेंगे और मधुपुर का विकास में अहम योगदान करेंगे। तो आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें।